नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 3.0 का पहला बजट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि मोदी 3.0 के पहले बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार संसद में बजट पेश करेंगे। अब बदले हुए समीकरणों के बीच सरकार के लिए ये बजट सहयोगी दलों के अपने राज्यों की मांगों के चलते चुनौतियों से भरा होने वाला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के पहले आम बजट से खासी उम्मीदें हैं। निम्न और मध्यम वर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष लाभ दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। बजट से पहले पीएम मोदी ने आर्थिक जानकारों के साथ दिल्ली में बैठक की। पीएम मोदी ने नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट का मसौदा तय करने के लिए मंथन किया। नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से विकसित भारत बनाने का जिक्र किया। विकसित भारत का निर्माण तो भी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं चार स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के सामर्थ्य का जिक्र करते हुए कहा था कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। आज दुनिया के विकास में भारत का योगदान 15% है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। बजट में वित्त मंत्री द्वारा बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर मौजूदा आय सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 50,000 रुपए। इस बजट में सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दुगना कर
इसकी शुरुआत 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से हो सकती है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार पर हर वर्ग की झोली में कुछ ना कुछ डालने का दबाव है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव सामने हैं। अब ऐसे में इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस साल 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसलिए बजट के जरिए सरकार की कोशिश अपने बिखरे जनाधार को समेटने की होगी। और इसीलिए माना जा रहा है कि 23 जुलाई को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी, तो उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती। मोदी सरकार पर हर वर्ग की झोली में कुछ ना कुछ डालने का दबाव, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव सामने, ऐसे में इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के अनुरूप कामयाबी नहीं मिली। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में ऐसा पहली बार है जब बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। हालांकि सहयोगियों के सहारे बीजेपी ने 272 के जादुई आंकड़े को पार करने में सफलता जरूर पाई। इस साल 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, इसलिए बजट के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि वो अपने बिखरे जनाधार को समेटने की कोशिश कर सके। इसलिए माना ये जा रहा है कि 23 जुलाई को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेंगे, तो उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। आगामी बजट के दौरान माना ये भी जा रहा है कि कुछ और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आयकर स्लैब में बदलाव, टैक्स रिजीम में सुधार, पुरानी टैक्स रिजीम के तहत बेनिफिट्स को बढ़ाना, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स में राहत, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, मजदूरों और कर्मचारियों को ज्यादा लाभ, ग्रीन एनर्जी एंड टैक्सेशन, ईवी इंडस्ट्री। इस साल के अंत तक झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनाव में उम्मीद के अनुरूप नतीजा नहीं मिल पाया। इस वजह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश बेहतर प्रदर्शन करने की। चुनाव से पहले सरकार बजट के जरिए चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश कर सकती है। अभी तक की बैठकों के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव कर सकते हैं। इससे मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को खासा लाभ होगा। इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुरानी और नई व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 से 12,000 रुपए कर सकती है। बजट में वित्त मंत्री कृषि उत्पादों पर कर की दरों को कम करने का फैसला भी कर सकती है। मनरेगा मजदूरी को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। साथ ही मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश बताए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा ध्यान दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4.39 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया, जिसे कोरोना के बावजूद 2021-22 में बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में यह खर्च बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया।
अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 11.11 लाख करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया था। माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बजट में कुछ और बड़ा ऐलान हो सकता है। बदले समीकरणों के बीच सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट बढ़ाने की पूरी संभावना है। अग्निवीर जैसी योजनाओं में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष शुरुआत से ही सरकार पर काफी आक्रामक है। अग्निवीर के सेवा साल को बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। भले ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हो, लेकिन एनडीए सरकार का पहला साझा बजट है, लेकिन इसमें सरकार के सामने जेडीयू और टीडीपी के मांगों को पूरा करने की चुनौती भी है। अब दोनों ही पार्टियों ने बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग रखी है। माना तो ये भी जा रहा है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। मोदी 3.0 के पहले बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते 23 जुलाई को लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। भले ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हो, लेकिन एनडीए सरकार का पहला साझा बजट है, लेकिन इसमें सरकार के सामने जेडीयू और टीडीपी की मांगों को पूरा करने की चुनौती भी है। दोनों ही पार्टियों ने बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग रखी है। माना ये जा रहा है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बिहार सरकार ने 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइन और 7 मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए भी रुपयों की मांग की है। साथ ही 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से पैकेज की मांग रखी। वहीं आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू सरकार ने विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रखी। वहीं राज्यों के पिछड़े जिलों में शामिल रामायापट्टनम, बंदरगाह और कडप्पा में एक इस्पात संयंत्र भी मांगा है। माना ये जा रहा है कि इस बार बजट में चुनावी राज्यों के साथ साथ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले बयान देते हुए कहा था कि वो हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लोगों का बिजली बिल शून्य आए ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार की प्राथमिकता सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की, जिसके तहत हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। बजट में इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। बजट सरकार के खर्च और इनकम का लेखा जोखा होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार के पास बजट के लिए पैसे कहाँ से आता है और ये पैसा कहाँ खर्च होता है। दरअसल सरकार के रेवेन्यू का सबसे ज्यादा हिस्सा बोरोइंग और अन्य लाइबिलिटी से 28% आता है। इसके बाद इनकम टैक्स से 19% और जीएसटी से
18% पैसा आता है। कॉरपोरेशन टैक्स का योगदान 17% है, जबकि नॉन टैक्स रिसीट 7% है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स कुल मिलाकर 9% है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट कुल आय का 1% है। वित्त वर्ष 2024 और 25 के अंतरिम बजट में टोटल एक्सपेंडिचर 47,65,768 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17.7% की बढ़ोतरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार बजट में सरकार कहां कहां पैसे खर्च करती है। सरकार का सबसे ज्यादा 20% खर्च ब्याज को चुकाने और टैक्स ड्यूटीज में राज्य की हिस्सेदारी में चला जाता है। सेंट्रल सेक्टर की योजनाएं और अन्य खर्च 16% और 9%, जबकि रक्षा क्षेत्र, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और वित्त आयोग से आवंटन 8-8% का होता है। कुल खर्च में सब्सिडी का हिस्सा 6%, जबकि पेंशन का हिस्सा 4%। आमतौर पर नई सरकार लोक लुभावन उपायों का दबाव नहीं। निर्मला सीतारमण के पिछले बजट को देखें तो उनका एक भी बजट आम आदमी के लिए लोक लुभावन नहीं रहा। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी को नुकसान हुआ, इसलिए इस बार बजट में मध्य वर्ग के लिए कुछ राहत का ऐलान संभव हो सकता है। दूसरी तरफ साल 2024 के अंत में ही हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने, इसे देखते हुए राजकोषीय घाटे की चिंता करने के साथ सरकार आम लोगों को राहत देने पर भी फोकस कर सकती है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।